Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayasat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज बात करते हैं अलमे बरज़क और रूह, इन दोनों कॉन्सेप्ट से मुतालिक बात करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि रूहों पर आपने एक प्लेलिस्ट हमें दी है, लेकिन उस प्लेलिस्ट के अलावा बहुत अरसे से रूहों पर आपने बात नहीं की है, तो इसको भी आलम बरज़ख से मुतालिक किसी टॉपिक के साथ बयान करें। देखिए, इब्न क़य्यिम बयान करते हैं कि अरवाह के जमा होने का मसला बहुत अजीम है, इसमें अक़ल को दखल नहीं है, इसका इल्म शरई नसूस से ही हो सकता है। एक कौल के मुताबिक तमाम मोमिनीन की अरवाह शहीद हों या गैर शहीद जन्नत में हैं। अगर किसी से बड़ा गुनाह सरजद हो जाए जो इस नेमत से महरूम कर दे कि उसका मुकाम जन्नत में नहीं रहता, तो इस ज़मन में कुरान करीम ये फरमाता है कि फ़अम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन फ़रौहुन व रीहानु व जन्नतुन आई, कि बस अगर मरने वाला मुकर्रबीन से है तो रहमत इलाही और फूल है और नेमत वाली जन्नत है। और फिर दूसरे मुकाम पर कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजई इला रब्बिकी राधियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ऐ मुतमईन जान अपने रब की तरफ राजी खुशी लौटा और मेरे बंदों में शामिल हो और मेरी जन्नत में दाखिल हो। बदन से जुदा होने के बाद अरवाह की जो इकसाम बयान की जाती हैं वो तीन हैं। एक तो मुकर्रबीन है जो जन्नत में है, दूसरे दाएं बाजू वाले ये अजाब से महफूज हैं, और तीसरे झुठलाने वाले गुमराह लोग हैं, वो जहन्नम में दाखिल होंगे। अच्छा, इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि अरवाह अपने मुकामात के लिहाज से बरज़ख में मुख्तलिफ मुकामात पर रहती हैं। अंबिया की अरवाह ये मलाए आलम इलियीन में हैं, शुहदा फ़िरक़े मरातिब से हैं, कि मिसाल के तौर पर कि बाज़ शुहदा के मुकाम बाज़ शुहदा से आला है। अच्छा, सब्ज़ रंग के जन्नती परिंदों की पोटों में बाज़ शुहदा की अरवाह है, क्योंकि बाज़ शुहदा जन्नत में दाखिल होने से रोक दिए जाते हैं कर्ज़े की वजह से, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश से मरवी है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और पूछा कि अगर खुदा की राह में शहीद हो जाऊँ तो क्या अजर मिलेगा। जवाब मिला, जन्नत सिवाय कर्ज़ के, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मकरूज़ को जन्नत में जाने रोक दिया जाएगा। बाज़ जन्नत के दरवाजे पर होंगे, बाज़ वो अरवाह हैं जिनको ज़मीन में क़ैद किया जाता है। इसी तरह दूसरे मुकामात पर भी बाज़ होती हैं, लेकिन मुकामात जुदा होने के बावजूद एक किस्म का ताल्लुक अपने जिस्म से रखती हैं ये अरवाह, ताकि अदाब हो या सवाब हो वो मामला चलता रहे। अच्छा, इब्ने क़य्यिम के मुताबिक रूह का ताल्लुक जिस्म से पाँच किस्म का है, माँ के पेट में है, विलादत के बाद है, सोने की हालत में है, बरज़ख में है, या एक किस्म का ताल्लुक है। क़यामत के रोज़ वो ताल्लुक बिल्कुल अपने कमाल को पहुंच जाएगा, इसके कि इस ताल्लुक के बाद जिस्म ना तो नींद को और ना मौत को और ना फसाद को कबूल कर सकता है। फिर फरमाया कि रूह बहुत तेज़ी से हरकत रखती है, एक ही लम्हे में आसमान से ज़मीन पर आकर अपने जिस्म से मुतालिक हो जाती है, जैसे सोने वाला कि इसकी रूह सोने में सातवें आसमान पर जाकर अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज़ होती है और फिर थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाती है। इमाम हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से एक रिवायत नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते तो उनके नज़दीक हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि अस्मा, ये जाफ़र तैयार हैं, क्योंकि वो उनके शौहर थे जो शहीद हो गए थे, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम की हमराह जा रहे हैं, हमको सलाम किया और मुशरिकीन के साथ जंग का हाल बताया कि मैंने फ़ला फ़ला दिन मुशरिकीन के साथ जंग की, मेरे जिस्म में 73 नेज़े और तलवारों की चोटें आई हैं, झंडा मेरे दाएं हाथ में था, वो हाथ कट गया तो बाएं हाथ से झंडे को पकड़ लिया, वो कट गया तो अल्लाह ने इनके अवज़ दो बाजू दिए ताकि मैं जिब्राईल और मीकाईल के साथ प्रवास कर सकूं और जन्नत में जहां चाहूं उतर सकूं, जन्नत के फलों में से जो चाहूं खा सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर बयान फरमाया। तो इससे एक बहुत वाज़े बात हमें शुहदा की जहाँ पर दर्जात का बयान मिलता है, वहाँ अल्लाह की नेमतों का भी जिक्र मिलता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और साथ ही साथ हमें हुजूर के इल्म का भी यहाँ पता चलता है और हुजूर की नज़र का भी पता चलता है कि अल्लाह ने हुजूर की नज़रों के आगे से पर्दे कहाँ तक उठा दिए थे। इमाम कुर्तुबी ने हदीस काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कहा है कि बात साबित होती है कि मोमिन की रूह बज़ात खुद परिंद बन जाती है,
نسمیہ المؤمن طائر۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ارواح الشہداء، جو شہداء کی ارواح ہیں، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، ہی اللہ کے نزدیک مثل ہوتی ہیں سبز پرندوں کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں گھومتی ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ارواح مومنین سفید پرندوں میں گھومتی ہیں۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہیں مومنین کی ارواح اور شہداء کی ارواح میں فرق سے متعلق، اور حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ ارواح شہداء سبز پرند ہیں، اور حکیم ترمذی، امام ترمذی سے علیحدہ ہیں یہ نوادر الاصول والے، وہ کہتے ہیں کہ تمام ارواح برزخ میں گھومتی ہیں اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتی ہیں، جن کو اللہ چاہتا ہے جس حال پر آگاہ فرما دیتا ہے۔ اس سے متعلق میں نے آپ کو کچھ دروس پہلے بھی دیے تھے کہ اس کے اندر ایک یہ کہ ان کی بیٹی کا انتقال کے متعلق انہوں نے اپنے دوست کو بتایا، اور ان کے گھر میں جو بلی مر گئی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تک انفارمیشن اللہ کے حکم سے جو پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے، اور اسی طرح فرشتوں کے حالات کا بھی یہ مشاہدہ کرتی ہیں، کیونکہ اب وہ حجابات اڑ گئے نا جو جسم کے ساتھ منسلک رہنے میں ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے ساتھ بھی ان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ روحیں عرش کے نیچے ہیں، کچھ جنت میں پھرتی ہیں۔ اچھا، امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت میں دودھ پلانے کے لیے دایا ملے گی۔ حضرت ابراہیم جنت البقیع میں دفن ہوئے مگر جنت میں دودھ پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ معاملات ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے کہ برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم عقل میں نہیں لا سکتے، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ صاحب افصاح کہتے ہیں کہ نعمت والی روحیں مختلف حالات میں، کچھ جنت میں پرند ہیں، کچھ سبز پرندوں کے جسموں میں، کچھ عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں، کچھ سفید پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، اور کچھ چڑیوں کی پوٹوں میں ہیں، اور کچھ روشن جنتی صورتوں والے اشخاص میں اپنے اعمال صالح کی صورت میں ہیں، کچھ اپنے جسموں میں آتی جاتی رہتی ہیں، کچھ مردوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں، کچھ میکائیل علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ اس سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک تفصیلی بیان جو ہے وہ صاحب افصاح جو ہے وہ اس زمن میں لاتے ہیں، بڑا خوبصورت ایک پیراگراف میں انہوں نے تمام روایتوں کو یکجا کر دیا۔ اچھا، اسی طرح حدیث اسراء میں ہمیں ملتا ہے جو امام بحقی نے الدلائل النبوہ میں بھی ذکر کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کے ہمراہ امت کے کچھ لوگ تھے۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ہمراہ امت کے کچھ لوگ تھے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ہمراہ امت کے کچھ لوگ تھے۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی امت کے کچھ لوگ تھے۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے کچھ لوگ تھے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے افراد تھے۔ پھر مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کا اور آپ کی امت کا مقام ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارک پڑھی، اس میں کہ اِنَّا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، کہ بے شک ابراہیم کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اس کی اتباع کی، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کو ان کی امتوں کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسمانوں پر ان امتیوں کی ارواح کا موجود ہونا جو یہاں سے نکلی اور انہیں وہاں اعلیٰ مقام ملا۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کے دو حصے تھے، کچھ کاغذ کی مانند سفید کپڑے پہنے ہوئے، کچھ پر مٹی کے کپڑے تھے۔ اس سے ارواح کے مقامات کا واضح ثبوت ہے کہ ہر آسمان پر ایک قوم ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفس کے چار ادوار ہوتے ہیں، ہر دوسرا دور پہلے سے بڑھ کر ہے۔ ماں کے پیٹ میں یہ قید و بند، غم اور تاریکیوں کا زمانہ ہے۔ دوسرا یہ دنیا کا دور جس میں نفس، یا جس سے نفس نے محبت کی اور خیر و شر کو حاصل کیا۔ تیسرا برزخ کا دور ہے، یہ زیادہ وسیع ہے اور فراخ ہے، اور اس کی نسبت دنیا سے وہی ہے جو دنیا کو ماں کے پیٹ سے۔ چوتھا وہ دار القرار ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دور نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کے بعد ہونے والا زمانہ۔ تو نفس کے احکام ہر دار کی نسبت بدلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس حدیث سے میں روشنی ملتی ہے جو ابن دنیا نے روایت کی ہے کہ مومن کا حال دنیا میں ایسا ہے جیسے جنین کا، یعنی پیٹ کے بچے کا، اپنی ماں کے پیٹ میں۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہے، لیکن جب روشنی دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے پر راضی نہیں ہوتا، اور جب دنیا سے آخرت کو پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا، جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں واپسی نہیں چاہتا۔ اسی طرح آدم بن یاس نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیہ مبارکہ
मुस्तफ़ा की तफसीर में कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएँ तो उनके बारे में कि इसकी तफसीर में रिवायत करते हैं कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, उनको मुर्दा ना ख्याल करो, जन्नत के मेवों से इसको फल दिए जाते हैं, इनको जन्नत की खुशबुएँ पहुँचती हैं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस में आता है कि शुहदा नहर बारिक के किनारों पर होंगे, शुहदा वाला नहर बारिक, और ये नहर जन्नत के दरवाज़े पर वाक़ है, बिबाबिल जन्ना। मुमकिन है कि ये तमाम शुहदा के बारे में हो और ख़ास शुहदा अर्श के नीचे कंदीलों में हो, और ये भी मुमकिन है कि शहदा से मुराद हकीकी शहीद ना हो बल्कि वो शहीद हैं जो हुक्मन शहीद हैं, मिसाल के तौर पे ताउन से मरने वाले, किसी वबा से मरने वाले जैसे कोरोना से मरने वाले मुसलमान, इसी तरह पेट की बीमारी से मरने वाला मुसलमान, इसलिए डूब कर मरने वाला मुसलमान, हादसे में मरने वाला मुसलमान, या आम मोमिन जो सच्चे मोमिन हैं इनके बारे में भी ये बात आती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हर मोमिन सिद्दीक और शहीद है, जैसा कि कुरान करीम में आता है कि वल्लदीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइक हुम सिद्दीकून व शुहदा व इंदा रब्बिहिम। हज़रत के जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पर कि वो बेशक सिद्दीक हैं, शुहदा हैं अपने रब के यहाँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के मोमिन सिद्दीक और शहीद हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आया मुबारक तिलावत फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने हज़रत काब से दरियाफ़ किया कि एलीन और सिजीन क्या है, तो उन्होंने कहा कि एलीन सातवें आसमान पर है, इसमें मोमिन की अरवा है, और जहाँ तक सिज्जीन का ताल्लुक है तो सिज्जीन सातवें ज़मीन पर शैतान की रुखसार के नीचे है, इसमें काफिरों की रूहें हैं, साबित हुआ कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है मगर जहन्नम सातवें ज़मीन के नीचे है। इमाम तबरानी हज़रत जाबिर से मरवी एक रिवायत लाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हमारी माँ अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस हाल में है, तो आपने फरमाया वो मोतियों और हीरों के घर में आसिया फ़िरऔन की बीवी के साथ हैं। तो ये मामला है के बरज़ख़ में ये साथ रहने का मामला जो है वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका सामने आता है जो फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपनी वालदा माजिदा के मुतालिक पूछा। इब्ने माजा में एक रिवायत आती है, इसी तरह सुनन अबी दाऊद में भी ये रिवायत आती है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जब उस शख्स असलमी को संसार किया जिसने खुद जिना का इतराफ़ किया था, तो आपने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो जन्नत की नहरों में गोते आ रहा है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह किताबुल कुबूर में इब्ने अबी दुनिया ने अमर बिन सुलेमान से रिवायत किया कि यहूदी जिसके पास मुसलमान की अमानत थी मर गया। यहूदी का लड़का मुसलमान था, इसे पता ना चला कि अमानत कहाँ रखी है, इसने शुआइब जिबाई को इत्तला दी। उसने कहा कि ऐसा करो, बरहूत के चश्मे पर जाकर सनीचर के दिन अपने बाप से पता कराओ। चुनाचे वो चश्मा बरहूत पर पहुँचा और दो तीन मरतबा बाप को पुकारा और कहा कि फलां की अमानत कहाँ है। अंदर से जवाब आया कि दरवाजे की चौखट के नीचे, इसकी अमानत दे दो और तुम जिस दीन पर हो उस पर कायम रहो। इब्ने हज़म बयान करते हैं कि रूहें ऐसी जगह वापस चली जाएंगी जहां ये बदन के मुतालिक होने से पहले थी, यानी हज़रत आदम की दाईं तरफ या बाईं तरफ। ये कुरान में जो फरमान रब्बी है वह इज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम से इस्तदलाल हुआ, और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पीछों से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला, फिर फरमाया कि वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने तुमको पैदा किया फिर तुम्हारी सूरत बनाई। मालूम हुआ कि अल्लाह ने तमाम अरवाह को एकदम पैदा फरमाया, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहों का लश्कर है जो आपस में एक दूसरे को जानती हैं वो मिलती हैं, और जो नहीं जानती वो जुदा जुदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने पैदा करके अरवाह से अहद लिया था, और अहद लिया था उलूहियत का अपनी, और उनको उस पर गवाह बनाया था, हालांकि उनको अभी उनके जिस्म नहीं अता किए गए थे। शक्लें और सूरतें होती हैं रूहों की जिस्म ही की तरह, इसलिए वो अरवा एक दूसरे को पहचानती हैं जो यहाँ से बरज़ख में जाती हैं। अच्छा, इनको एकदम पैदा जो कर दिया गया था, और तो वो आकिल थीं, अक़ल रखती थीं, इसलिए उन्होंने अहद अलस्त को सुना, समझा और जवाब दिया, यानी कि वो आवाज़ भी रखती हैं, कान भी रखती हैं, देखती भी हैं, अक़ल भी रखती हैं। सो अल्लाह ने उन्हें आलम अरवाह में जगह अता फरमाई, फिर दुनिया में भेजा, फिर यहाँ से बदन से जुदा हो गई, तो फिर बरज़ख में चली जाती हैं, तो फिर बरज़ख में रहती हैं यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। तो मालूम हुआ कि जिस्म से मुतअल्लिक़ होने से कबल भी अरवाह में इल्म होता है, अक्ल होती है, मरने के बाद उनको बरज़ख में भेज दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अरवाह को आलम बरज़ख में मौजूद थी उन्हें देखा, और ये शब मेराज की बात है कि नेक बख्तों की रूहें हज़रत आदम की दाईं तरफ, बदबख्तों की हैं बाईं तरफ, और ये मुकाम आलम अनासिर से वरा उल वरा था, यानी कि बहुत आगे था।
मोमिन बुलंदी की जानिब, काफिर पस्ती की जानिब, दोनों में बराबरी न थी। इस पर अहले इल्म ने इत्तेफाक किया। इब्न हज़म के मुताबिक इसी पर इस्लाम के आइम्मा का इजमा है और वह खुदा के फरमान के आयन मुताबिक है कि फ़ासहाबुल मैमनति मा असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमति मा असहाबुल मशअमा व सबिकून सबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नतिन नईम के दाईं तरफ वाले कौन हैं, दाईं तरफ वाले और बाईं तरफ वाले कौन हैं, ये बाईं तरफ वाले सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ जाने वाले वही मुकर्रब है, नेमत वाली जन्नतों में है। तो फिर सूरह वाकया में इस बात में ये दलील मिलती है। बहरहाल बाज़ हज़रात के मुताबिक अरवा अपनी कब्रों के किनारों पर होती हैं, जिसको इब्ने अब्दुल बर ने सही करार दिया। इसकी दलील में सवार कब्र, अजाब कब्र, जन्नत जहन्नम वगैरह का अहले कबूर पर पेश होना है, कबूर की ज्यारत का मुस्तहब होना और उनको सलाम करना और हाजिर व आकिल की तरफ इनको खिताब करना। मगर इब्ने कय्यम बयान करते हैं कि ये किताब व सुन्नत के खिलाफ है, रूह कब्र में है या इसके करीब है, क्योंकि क़यामगाह का पेश किया जाना इस पर दलालत नहीं करता। ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब रूह को एक ख़ास किस्म का ताल्लुक बदन से हो जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि रूह रफ़ीक आला में होने के बावजूद बदन से उसका ताल्लुक हो। मसलन जब मुसलमान सलाम करते हैं तो साहिब कब्र उसका सलाम के जवाब देते हैं, हालांकि वो अपने मुकाम रफ़ीक आला में रहती है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस तरह देखा कि इनके 600 पर थे, जिनमें दो बाजुओं ने सारे के सारे उफक को अपने अंदर समो लिया था। फिर वो आपके इतने करीब आ गए कि अपने घुटने हुजूर के घुटने पर रख दिए और अपने हाथ हुजूर की रानों पर। और हदीस पाक में कि हुजूर ने फरमाया कि जब मैंने नजर उठाई तो देखा कि जिब्राइल आसमान और जमीन के दरमियान खड़े हैं और कह रहे हैं कि या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व अना जिब्रील, कि या मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, वह जिब्राइल हूं, मैं जिब्राइल हूं। जब मैं निगाह उठाता जिस तरफ निगाह होती जिब्राइल ही जिब्राइल नजर आते, और यही तावील अल्लाह के आसमान दुनिया पर नुजूल की है, क्योंकि अल्लाह ताला हरकत व इंतकाल से पाक है। इस पर फिर हम बात करेंगे, क्योंकि यह भी सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है कि कुछ लोग इस तसव्वुर में हैं कि माज़ल्ला अल्लाह सुबहाना व ताला को अर्श के ऊपर मौजूद कहते हैं, और इसी तरह अजीब व गरीब से स्पेशली आप ये देखें जो हमारे यहाँ गैर मुकल्लदीन हैं या जो वहाबी लोग हैं, उनके यहाँ ये चीज़ बड़ी पाई जाती है, किताबों में भी मौजूद है, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह के यद का, हाथ का, चेहरे का, टांगों का अजीब सी बातें जिक्र की अपनी किताबों में। उस पर भी बात करेंगे कभी कि उनके इस अजीब व गरीब अकायद और उनकी किताबों में उसका मौजूद होना, और असल में अहले सुन्नत जमात का असल मौकफ क्या है, और ये राह से हट के हुए वहाबियों का इसमें क्या मौकफ है। यही वजह है कि दीन उसी से सीखा जा सकता है जिसका अकीदा तो कम से कम वो भी खुदा की ज़ात के बारे में तो ठीक हो। अच्छा, अम्बिया का कब्र में ज़िंदा होना, नमाज पढ़ना, ये तमाम मामलात मैं आपको पहले बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, फिर उनको देखा छठे आसमान पर भी हैं, बैतुल मुक़द्दस में भी हैं मौजूद। तो कब्र में अम्बिया का नमाज पढ़ना, इस पर भी बात हो चुकी है। और रूह का इससे पता चलता है कि उस रूह की कैफियत जिस्म से बड़ी जुदा है, कि हुजूर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में भी देखा, छठे आसमान पर भी मौजूद हैं, बैतुल मुक़द्दस में भी मौजूद हैं। तो जिस्म और रूह का इत्तेसाल भी है, अम्बिया का कब्र में ज़िंदा होना भी है, नमाज पढ़ना भी है। तो वो जो आलम बरज़ख़ की कैफियत है ना, वो हमारी समझ से बहुत बालातर है। उयूनुल हिकायात में इबन जोज़ी ने अपनी सनद से हज़रत अब्दुल्ला इबन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया, फरमाते हैं एक रोज़ मैं कब्रस्तान में था कि मैंने गमज़दा इंसान की आवाज़ सुनी जो अपने रब को पुकार रहा था, ए मौला तेरे बंदे की रूह का इरादा तेरी तरफ है, इसकी भाग दौड़ तेरे हाथ में है, इसका शौक़ तेरी तरफ है, रात भर तेरा बंदा बेदार रहता है और दिन भर बेचैन, इसकी आंतें जल रही हैं, आंसू बह रहे हैं, तेरे दीदार का मुश्ताक है, तेरे सिवा इसको कुछ राहत नहीं, तेरे अलावा कोई उम्मीद नहीं। फिर इसने सर आसमान की जानिब उठाया और चीख मार कर रोने लगा। कहते हैं मैं उसके करीब गया तो देखा कि मर चुका था, मैं भी उसकी निगरानी कर रहा था कि चंद लोग आए, उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ी और दफन कर दिया, और फिर वो लोग आसमान की तरफ चले गए। इस पूरे दर्स में बहुत सारे वाकयात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद एक जगह यकजा करके इनमें से बहुत सारे वाकयात को हमने पहले डिस्कस नहीं किया, तो एक मुफस्सिल दर्स हो गया इस ज़मीन में, जहाँ हमने रूहों के मुकामात भी पढ़े और उनकी कैफियतें भी देखी, बरज़ख़ से मुतालिक ख़ास तौर पर और आलम दुनिया में आने से कबल व मुख्तसरन। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके इल्म में इजाफा भी होगा और आपको बरज़ख़ से मुतालिक कुछ और मालूमात भी होंगी और रूहों से मुतालिक भी कुछ मालूमात आपके इल्म में आई होंगी। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करना ना भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।